अगर आपको गणित टफ लगती है तो सबसे पहली बात तो अगर कक्षा 10 में आप जा रहे हो तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जैसे कि जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आपको आती भी हैं और नहीं भी आती तो एक बार आपको रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। अगर ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो, अगर ये सब चीज़ आपको आ जाती है तो मेरी गारंटी है कि आपको 100 में से 100 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी होगी। अगर ये चीज़ आती है तो आपके 100 नंबर आएंगे, ये मान लो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है जोड़ने जोड़ने के बारे में, ठीक है, घटाने के बारे में, एडिशन। ठीक है, तो सब बेसिक बेसिक है। देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 8 है। तो 4 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है बच्चों, 12 होता है। तो 12 का यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और हमारे पास हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हासिल हम यहाँ 1 लगा देते हैं पहले से। अब देखो 3 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 7 को हम जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 में जैसे ही हासिल 1 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, 11 का हम क्या लिखेंगे, 1, और हासिल फिर से क्या हो गया, 1। ठीक है, फिर से हमारा हासिल क्या हो गया, 1 ऊपर लिख दिया हमने। अब 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और ऊपर पहले से 1 है हासिल में, तो 8 और 1 9 आ जाएगा। इकाई का वाला अंक है, एक सिंगल अंक है, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब कोई हासिल हमारे पास नहीं है। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 6 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसे भी हम करेंगे। देखो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 1 और 2 3 होता है। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। ठीक, 10 का 0 लिखेंगे, इकाई का अंक लिखा जाता है, और हासिल कितना हो गया हमारा, 1। यहाँ हमारा हासिल आ जाएगा 1। किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या रहती है। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 रहेगा, और ये हासिल हमारा 1 है। 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 हो जाएगा, कोई भी हासिल नहीं है। और 9 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इधर कोई और संख्या नहीं है तो 12 का 12 ही लिख देंगे पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी आराम से बन गई। ये तो हुआ जोड़ना। अब एक चीज़ और है, बेसिक चीज़ है, सिंपल 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 चीज़ें ही है। ठीक है, देखो जो भी मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं ना ऑफलाइन बैच में, मैं पहले उनको 2 दिन यही सब बताता हूँ, चाहे वो बच्चा बहुत ही विद्वान हो, चाहे वो बच्चा बहुत ही मतलब उसको बहुत टफ लगती हो या बहुत आता हो, दोनों बच्चों को मैं पहले ये सिखाता हूँ। अगर उन बच्चों को ये चीज़ आ गई तो वो मैं उनको गारंटी लेता हूँ कि भाई तुम्हारे 100 नंबर ज़रूर आएंगे, उसकी गारंटी मेरी है, अगर मेरे तरीके से पढ़ोगे तो। ठीक है, अब जैसे कुछ समीकरण है, जैसे एक समीकरण लिखे हल करो, यहाँ लिखा है x+x+5=9। एक्स का मान निकालना है, क्या होता है नियम कि एक्स को एक तरफ लिखना होता है, चर को एक तरफ लिखना होता है, अचर को एक तरफ लिखना होता है। चर क्या होते हैं, चर होते हैं आपके xyz, अचर क्या होती है, संख्याएं होती हैं। तो ये जो +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -5। तो एक्स 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ये हो गया, और एक लिख के दिखाता हूँ। सपोज करो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x(3)=5, ऐसा लिखा हुआ है, इसको हमें हल करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो मैं 1 लिख दूंगा। फिर क्या होता है, तिरछी गुणा होती है, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ बराबर होने पर तिरछी गुणा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा 2x(5+15). अब ये x का मान निकालना है, इधर 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, बराबर के उस तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं घटाने पर। अब घटाना है, जैसे देखो 9 में से हम 2 घटाएंगे, आसान है, 9 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, अब ये छोटा हो गया, 2 में से 8 घटेगा नहीं, तो 2 इसके पास जाएगा, 0 की संख्या नहीं होती है तो 0 इसके पास जाएगा कि भाई मुझे थोड़ा हेल्प कर दो। तो ये 7 क्या करेगा, भाई तू मेरे से 1 ले ले,
मेरे से एक ले ले, तो जैसे ही ये एक लेगा तो ये हो जाएगा 10, और ये एक इसने दे दिया तो इसके पास बचेगा 6। फिर क्या करेगा, 10 इसको एक दे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 10 ने उसको एक दे दिया था तो इसके पास अब कितना बचा, 9 बचा, ठीक। फिर 12 में से आप 8 घटाओगे, 12 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। फिर 9 में से आप 6 घटाओगे कितना बचेगा, 3। फिर 6 में से आप 2 घटाओगे कितना बचेगा, 4। सिंपल। फिर वही काम, यहाँ देखो 0 में से 9 नहीं घटेगा, 9 बड़ी संख्या है ना, फिर 0 इसके पास आएगा, कोई संख्या नहीं होती 0, 0 फिर इसके पास जाएगा, है ना। तो ये एक है, ये बेचारा एक इसको एक दे देगा, ठीक है। जैसे ही इसके पास ये एक दे देगा, यहाँ इसने एक दे दिया तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो इसके पास बचा 0। और फिर ये जो 10 है, ये जो 10 है इसको एक दे देगा तो यहाँ इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास 10 हो जाएगा और इसके पास हो जाएगा 9, ठीक है। और इसके पास कितना बचा, 0 बचा। देखो 10 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 1। 9 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, 1। क्या 0 में से 5 घट सकता है, नहीं घट सकता। तो 0 क्या करेगा, इधर आएगा, इससे लेगा मदद, एक देगा वो, ठीक है ना। ये इसको एक दे देगा, इसने इसको एक दे दिया तो इसके पास बचेगा कितना, 1। 10 में से कितना घटाना है, 5 घटाना है, कितना बचेगा, 5। और 1 में से 1 घटा दोगे तो बचेगा 0, ठीक है। बेसिक जोड़, बेसिक घटाना, ऐसे सिंपल चीज़ें ही लेके आ रहा हूँ। आ गया, इतना अगर आता है ना तो क्लास 10th की जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट, अब आते हैं गुणा। गुणा होने के लिए बच्चों मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको 50 तक पहाड़े आना चाहिए, नहीं, आपको कम से कम 10 तक पहाड़े ज़रूर आने चाहिए। कितने तक, 10 तक, 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े आपको आने चाहिए, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे, 4 से गुणा करेंगे, 3 में 4 थी 12, इकाई अंक लिखा जाता है तो कितना आ जाएगा, 2। हासिल क्या हो जाएगा हमारा, हासिल हो जाएगा 1। फिर 4 की गुणा 2 से करोगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाता है, जो भी हासिल था उसको लास्ट में जोड़ देना होता है, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। अब दो अंकों वाला देखो, सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16, 16 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और हासिल कितना हो जाएगा, 1। फिर गुणा करोगे, 2 सत्ते 14, और हासिल हमारा क्या था, 1। 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15, पूरा लिख देंगे क्योंकि उधर और संख्या नहीं है, 2 का हो गया है, तो एक अंक का हो गया है ना, 2 का हो गया है, तो 2 के इकाई के स्थान पर 2 था तो वहाँ पर कट लग जाएगा। अब किससे करना है, 1 से करना है। किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, 1 अट्ठे 8 और 1 सत्ते 7, गुणा हो गई दोनों संख्याओं की। अब क्या करना होता है, जोड़ना होता है, जोड़ो। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 6 नीचे कुछ है नहीं तो 6 का 6 ही आ जाएगा, 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 का 3, 13 है ना, 13 का क्या होगा, 3, और हासिल क्या लगा, 1। 7 और 1 कितना, 8, और ये हासिल 1 था, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। जैसे 2 अंकों का हो आप, ऐसे 3 अंकों का करते हैं, यहाँ देखो 7 दुनी 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 21, 21 और ये कितना हो जाएगा, 21 में जुड़ेंगे तो 22, 22 का क्या लग जाएगा, 2, इकाई अंक लिखा जाता है हमेशा, हासिल क्या हो गया हमारे पास, हासिल हो गया 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 4 गुणा 0, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा कर दें तो 0 होता है, और 0 में 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 4 अठे 32, उधर और कोई संख्या नहीं है तो 32 पूरा पूरा आ जाएगा, 7 का हो गया एक अंक कट, अब आ जाएगा 4 पे, 4 दुनी 8, डायरेक्ट 4 दुनी 8, 4 तिया 12,
बारह का दो हासिल लगा एक, बारह का दो हासिल क्या लगा बच्चों एक, ठीक है। चार गुणा जीरो, जीरो से करेंगे जीरो होता है, और जीरो में हासिल एक जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा। फिर चार अठे, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, हमने मिस्टेक कर दी ना, हमने मिस्टेक कर दिया। सात दुनी चौदह हासिल लगा एक, सात इक्कीस और एक बाईस, सात हाँ सात चौके अट्ठाईस होगा। देखा यहाँ पर ना अट्ठाईस होगा बच्चों, हमने सात से करना था तो हमने चार से कर दिया था उस टाइम पे, सात चौको अट्ठाईस, ठीक है ये हो गया। अब सही होगा, अब देखो चार जीरो जीरो हो गया और चार अटे बत्तीस, अब आएगा बत्तीस यहाँ पर, कितना बत्तीस, ठीक है। अब सात का भी हो गया है और चार का भी हो गया, तो यहाँ दो अंकों पे कट लग जाएगा। अब हमें किससे गुणा करना है, एक से, और एक से किसी भी संख्या को गुणा करो, जिससे गुणा करोगे वही संख्या आ जाती है, तो इसको गुणा करना है तो यही संख्या आ जाएगी नीचे, क्या आ जाएगी, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक गुणा जीरो जीरो, और एक अट्ठे आठ। अब हमें क्या लगाना है, ठीक है अब जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, अब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा चार, आठ और दो दस, दस, दस का जीरो हासिल लगा एक, दो दो चार दो छः, छः और एक सात, ठीक है कोई हासिल नहीं है। आठ और एक नौ, नौ और तीन बारह, बारह का दो एक एक अंक लिखा जाता है और हासिल क्या हो गया एक, दो और दो चार, चार और जीरो चार होते हैं, ठीक है चार में जीरो जोड़ेंगे चार ही रहेगा, और हासिल हमारा एक था, चार में जोड़ देंगे एक, पाँच आ जाएगा, कोई भी हासिल नहीं है। आठ और तीन कितना हो गया ग्यारह, ऐसे चार का आएगा तो चार का करेंगे, पांच का आएगा तो पांच का करेंगे, ठीक है तो ये भी हो गया। अब दशमलव का गुणा है, ठीक है दशमलव का गुणा भी आ सकता है एग्जाम में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे अब ये नॉर्मल गुणा हो गया, अब सपोज करो यही अगर डेसिमल में आ जाए, अगर यही चीज डेसिमल में आ जाए, दशमलव में आ जाए, तो क्या करेंगे, नॉर्मल गुणा होगा, ठीक है नॉर्मल गुणा होगा, देखो कैसे होगा। जैसे सपोज करो यहाँ लिखा है दो दशमलव तेईस गुणा दशमलव दो, तो इसको नॉर्मल गुणा करेंगे, देखो ऐसे लिखा जाएगा प्रॉपर वे में, तेईस गुणा दो, ऐसे पहले नॉर्मल लिख लो, तीन दुनी छः, दो दुनी चार, और यहाँ दशमलव कितने स्थान के बाद है, एक स्थान के बाद, तो दशमलव पीछे से देखेंगे, पीछे से एक स्थान के बाद लगा दोगे, 4.6 हो गया। अब सपोज करो दशमलव दो स्थान के बाद होता, यहाँ देखो ऐसा होता कुछ, अरे यहाँ पर है तेईस दशमलव दो गुणा 1.2, ये है ठीक है, मतलब ये हमारे पास है 23.2.12, अगर ऐसा है सपोज करो। अब इनकी गुणा करनी है तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, दो दुनी चार, दो तिया छः और दो दुनी चार, एक दुनी दो, एक तिया तीन और एक दुनी दो, नॉर्मल जो गुणा करते हैं वैसे गुणा में करना ही करना है। यहाँ चार आ जाएगा, छः दो आठ हो जाएगा, चार तीन सात हो जाएगा, ये हो गया दो। अब देखो इसके पास दो और इसके पास एक, तो सुनो कितने स्थान के बाद लगेगा, एक दो तीन अंक के बाद लगेगा, एक दो तीन अंक के बाद लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका भाग है, देखो बच्चों यहाँ एक अंक है तो यहाँ पर भी हम एक ही अंक लेंगे। भाग के लिए आपको नियम पता होगा कि या तो वो संख्या आपको मिल जाए या उससे छोटा कम मिले, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम। जैसे तीन एक कम तीन होगा, तीन दुनी छः होता है, छः नहीं ले सकते, या तो वही संख्या मिल जाए या तो हमें चार मिल जाए, या उससे थोड़ा सा कम मिले, थोड़ा कम मिले, छोटा मिले, लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते, तीन दुनी छः नहीं ले सकते हमें। और यहाँ पहले एक अंक है, यहाँ पहले एक ही अंक लेंगे, अगर छोटा बढ़ेंगे तो हम दूसरा अंक लेते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ जाएगा तीन एकम तीन, फिर हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, चार में से तीन घटाएंगे एक बचेगा, फिर ये वाली संख्या आ जाती है नीचे, जीरो आ जाएगा। अब तीन तिया नौ, तीन चौके बारह ज़्यादा हो जाता है दस से, तो तीन तिया नौ लेंगे, घटाओगे फिर से एक आ जाएगा, और फिर ये नीचे आते हैं, एक संख्या को नीचे उतारा जाता है, छः आ गया, तीन ही बचे पंद्रह, घटाएंगे तो एक आ जाएगा,
बस इसके आगे और संख्या नहीं है तो हम नहीं ले सकते। तो 135 क्या आ गया हमारा, ये जो 135 है ये 135 हमारा क्या है, भागफल, और ये हमारा एक क्या है, शेषफल। एक अंक का मैंने आपको सिखा दिया, अब दो अंकों पे आ जाओ। यहां 12 है, यहां पर हमें 78 लेना पड़ेगा, दो अंक लेना पड़ेगा, ठीक है। 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72, 12 7 84 ज्यादा हो जाएगा, नहीं ले सकते। 8 में से 2 घटाएंगे, 6 बचेगा, और 7 में 7 घटाएंगे, 0। अब ये अंक नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 12 5 60 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और भागा नहीं जा सकता। देखो जिससे भाग दे रहे उससे छोटा बच गया ना, और भागा नहीं जाएगा फिर, ठीक है। और इस तरफ हमारा कोई और अंक भी नहीं है, दशमलव में दे सकते हैं, बट अभी दशमलव नहीं, हम बेसिक चीज़ें ही सीख रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पर 3 अंक हैं, इधर भी हमें 3 अंक लेना पड़ेगा। आइडिया लगाओ, यहाँ 125 है, 125 का जो डबल होता है वो 250 होता है, क्या यहाँ 250 है, नहीं है, यहाँ 225 है। तो 125 एकम 125 एक ही बार जाएगा, घटा देंगे, 5 में से 5 घटाएंगे, 0, 2 में से 2 घटाएंगे, 0, यहाँ कितना बचा, 100 बचा। फिर ये वाला यहाँ आ जाता है, 125 यहाँ 1000 के आसपास है, ठीक है, 1000 के आसपास है। तो देखो 125 25 अट्ठे 200 होता है, वैसे 8 बार जाएगा, आइडिया लग रहा है, 8 बार आइडिया लगाना होता है, बड़े बड़े पहाड़ों में आइडिया लगाना पड़ता है। देखो 100 है, 25 अट्ठे 200 इधर अलग हो गया, और 100 अट्ठे 800 अलग हो गया, तो जोड़ेंगे तो 1000 आ जा रहा है, आइडिया लग गया मुझे इस तरीके से। अब 8 से हैं तो 8 से गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 5 40 हासिल लगा 4, ठीक है। 8 2 16, 16 और 4 20, 20 का आ गया 0, हासिल लगा 2, ठीक है। और 8 कम 8 और 2 10, देखो पूरा पूरा भाग चला गया, तो भागफल कितना है, 18 है, ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ विभाजिता का नियम आपको आना चाहिए, जब आप एलसीएम निकालोगे, एचसीएम निकालोगे ना, तो कम से कम कुछ विभाजिता के नियम होते हैं। देखो अगर कोई संख्या है, ठीक है, आपके पास कोई भी संख्या है, आपके पास कोई संख्या है, और किसी भी संख्या के ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, किसी भी संख्या के, है ना, इकाई के स्थान पर यहाँ पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी, 2 से विभाजित होगी। सपोज करो मैंने एक संख्या लिख लिया 132, अब इस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, विभाजित का मतलब 2 के भाड़े में आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, कैसे कटेगा वो देखो, इसको काटो, 2 6 12, 12 13 में से 12 घटाओगे, 1 बचेगा, 1 बचा और ये 2 आ गया, 12 हो गया, फिर 2 6 12, 66 बार जाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या आपकी 2 से कटेगी, 2 से विभाजित होगी। 3 से का नियम क्या है, अगर आपके पास कोई भी संख्या है, जैसे मैंने एक संख्या लिख दिया 1 1 1, कोई भी संख्या है, अगर संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। संख्या का योगफल का मतलब 111 है, इनको जोड़ दो, कितना आ गया 3, 3 1 3 कट गया पूरा, तो ये जो 111 है ये भी 3 से कटेगा पक्का। कैसे देखो, काट के दिखाता हूँ, 3 3 9, 3 3 9, 3 भर गया 9 है ना, कितना बचा, 2 बचा, 3 3 9, 11 में से 9 घटाओगे 2 बचेगा, पीछे से यह आ जाएगा 21 हो जाएगा, 3 7 21, पूरा कट गया। अगर संख्याओं का योगफल 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे ये वाला संख्या 112 में कर देता हूँ, संख्याओं को जोड़ेंगे कितना है 4, 3 के भाड़े में 4 नहीं आता है, तो अगर ये 3 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, ठीक है, बेसिक सा नियम है। अब 5 से विभाजित का नियम क्या होता है, सिंपल सा नियम है, कोई भी संख्या है, देखो कोई भी संख्या है,
ये इकाई किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर जीरो हो या पाँच हो तो वो संख्या पाँच से कटेगी। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 125, या मैंने लिख दिया 100, ठीक है। तो इस संख्या के इकाई के स्थान में पाँच है, जीरो है, तो ये किससे कटेगी? पाँच से कटेगी, पाँच से विभाजित हो जाएगी। फट से पता लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर जीरो हो या पाँच हो तो वो संख्या आपकी पाँच से विभाजित होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पाँच से अगर विभाजित, पाँच से काटने का नियम, 125 को काट के दिखा दूँ, पाँच दूनी 10, घटाएंगे 2 बचे, फिर नीचे 5 आ जाएगा, 5 बचे 25, पूरा कट गया, शेषफल जीरो ही आएगा। फिर 5 से काट दो 100 को, देखो 5 दूनी 10, ठीक है, जीरो बचा, और ये जीरो है, इस जीरो का अस्तित्व नहीं होता, जीरो यहाँ लग जाता है, ठीक है, तो हो गया। अब हम बात करेंगे एडिशन, जोड़ की, भिन्नों के जोड़ की। तो अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने आपकी आंखों के समक्ष, देखिए इनको कैसे करना है। देखो अगर बट्टे में समान संख्या हो, जिस तरीके से जोड़ होता है उसी तरीके से घटाने होता है। अगर बट्टे में समान संख्या हो तो देखो लॉस ऑफ लेना पड़ता है इसमें, तो लॉस ऑफ आपका वही आ जाता है, नीचे आपका वही रहेगा, जब नीचे वही रहता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, ठीक है। 3 और क्या होगा, 4 बट्टे 2, बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, इसका आंसर आ गया 2। अब देखो इस प्रश्न में इसके बट्टे में और इसके बट्टे में अलग अलग है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इसका लॉस ऑफ लेने का, कि इन दोनों की क्या कर दो, गुणा कर दो, 5 3 15, और फिर क्या करो, इसकी गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगा, 8 5 7 35, यहाँ आ जाएगा 35, और फिर इसकी गुणा इसके साथ कर दो, 8 3 24, ऊपर जोड़ दो, 4 और 5 ये हो गया 9, 3 और 2 5 बट्टे ये 15, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर से वही चीज़ है, अलग अलग संख्या है, तो लॉस ऑफ पावर हम कैसे लेंगे, देखो 6 और 3 6 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 6 3 कितना हो गया, 18। अब आपकी, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12, और 7 3 क्या हो जाएगा, 21, जोड़ो 1 और 2 3, 2 और 1 3, 33 बट्टे 18, ठीक है, 33 बट्टे 18 हो जाएगा। अब अगर 3 संख्या वाला आ जाता है तो क्या करेंगे, 3 की गुणा कर दो, 2 3 6, लॉस ऑफ ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालो जिसमें 3 का भागा चला जाए, तो 3 का गुणा कर दो, एक तरीका तो ये है, ठीक है, तो 2 3 6 6 5 30, ये कर सकते हो, ठीक है, 30 3 का गुणा कर दिया। अब देखो जब इस वाले पे आओगे इसको छुपा दो, इसकी इसकी गुणा करो, 5 3 15 15 को इस वाले से गुणा कर देना, 15 एकम 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 एकम 15। फिर 3 को आओगे, 3 को छुपा दो, 5 दूनी 10, 10 की गुणा इसके साथ कर दो, 10 दूनी 20। फिर आ जाओ 5 को, है ना, 5 को छुपा दो, इसकी इसकी गुणा होगी, 2 3 6 6 की गुणा इसके साथ हो जाएगी, 6 7 42, ऊपर जोड़ो 2 0 5 कितना हो जाएगा, 7, और 4 2 6 6 और 1 7 बट्टे 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। बीस कैसे लिख दिया मैंने, कहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ी कर दिया क्या, तो 5 2 10 ना सही है, ऐसे ही जैसे जोड़ा था वैसे ही घटाना है, देखो बस घटाने का चिन्ह आ गया है, बाकी तरीका बिल्कुल वैसे ही है, जब नीचे समान रहता है लॉस ऑफ वही रहेगा, और फिर ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, 2 में से घट जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 बट्टे में 3। देखो जब अलग अलग संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 3 12, इसकी गुणा इसके साथ, 7 3 21 माइनस 4 8 32, तो देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, चिन्ह बड़े वाले का आएगा माइनस,
ठीक है ना, 32 में से 21 घटाएंगे, 11 बचेगा, चिन्ह बड़ा वाला किस बड़े वाला 32 का चिन्ह क्या माइनस है, तो माइनस लग जाएगा। यहाँ देखिए इन दोनों का जो लॉस ऑफ है 14 है, ठीक है, ऐसी छोटी संख्या जिसका दोनों का भागा में चला जाए उसे लॉस ऑफ कहते हैं। लॉस ऑफ मॉस ऑफ मैंने सिखा रखा है प्रश्नावली 1.1 में, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ से क्या है, 7 से भागा दोगे ऐसी संख्याओं में, 7 से भागा, या तो एक तरीका वही है कि इन दोनों की गुणा कर दो, इसको गुणा इसके साथ माइनस की गुणा इसके साथ, वो भी एक तरीका है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि दोनों का लॉस ऑफ ले लो, वो छोटे छोटे संख्या जिसका भागा दोनों से चला जाए, दोनों में चला जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 7 से भाग देना होता है 14 में, कितनी बार गया, 2 बार, और जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर गुणा कर देना है, 2 × 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस, फिर इसकी गुणा, इसको भाग देना इसके साथ 14 × 14, 1 बार गया, और इसकी गुणा फिर इससे कर देना है 1 × 1, 4 में से घटाएंगे 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/14। तो इस वाले का बच्चों आप खुद कमेंट करके बताओ कितना आएगा आंसर, ठीक है, ये आपको खुद कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए अब एडिशन ऑफ डेसिमल्स आ रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो दशमलव का जोड़ दशमलव का घटाना, ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर है 20.53, तो आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, ये इधर कोई अंक नहीं है तो पीछे हम 0 बढ़ा सकते हैं, पीछे बढ़ा सकते हैं आगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जोड़ना है जैसे नॉर्मल जोड़ देना वैसे जोड़ेंगे, 3 और 0 3, 5 और 1 6, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 और 7 7 होता है, 2 और 1 3 होता है आंसर। जैसे अब इसको जोड़ना है 803.20, फिर 12.109, ठीक है। सो इसके ऊपर कुछ, इसके पीछे कुछ भी नहीं तो 0 बढ़ा सकते हैं, जोड़ेंगे 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 0 में 0 0, 2 और 1 3, दशमलव के लिए दशमलव, 3 और 2 5 हो गया, 0 और 1 1 हो गया, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो वही आगे 0 लिख सकते हो। तो किसी संख्या के अगर आगे 0 है तो उसका अस्तित्व नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आ गया, जैसे दशमलव का जोड़ है वैसे दशमलव का घटाना भी है, बस दशमलव के नीचे दशमलव लगाते जाओ। वैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30.29, घटाना है 13.5, पीछे कुछ नहीं है तो पीछे मैं 0 बढ़ा सकता हूँ, घटाना है देखो 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, फिर 2 में से 5 नहीं जाता, ये इसके पास जाएगा, इसे ये 1 दे देगा, और ये इसके पास जाएगा, इसको 1 देगा, इसके पास 2 बचेगा, और ये इसको 1 दे देगा, 10 हो जाएगा, इसको 1 देने के बाद इसके पास 9 बचेगा, ठीक है ना। ये सबसे पहले इसके पास जाएगा, कुछ नहीं इसके पास, ये फिर इसके पास जाएगा, इससे 1 लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 फिर इसको 1 दे देगा, ये 12 हो जाएगा, और इसके इसने 1 दे दिया तो इसके पास 9 बचेगा, 3 ने भी 1 दे दिया था तो इसके पास 2 बचेगा। अब 12 में से आप क्या घटाओगे 5, तो कितना बचेगा 7, ठीक है, 9 में से 3 घटाओगे 6 बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, ठीक। अब ये देखिए ये घटाना है 89.75 और बट्टे में 17.5555, ठीक, इधर कुछ नहीं है तो मैं 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 0 में से 5 नहीं घटता तो ये हासिल लेगा 5, इसको हासिल ले देगा, इसके पास बचेगा 4, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 4 में से 5 नहीं घटता तो ये इसको हासिल देगा 14 हो जाएगा, और 1 दे देगा तो इसके पास 1 कम हो गया, 7 में से 1 कम हो गया यानी कि 6 हो गया, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, अब 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा, ठीक है, आराम से बन गया। अब देखिए इनको कैसे करना है हमें, भिन्नों का गुणा, तो भिन्नों का गुणा क्या होता है, हमें देखना होता है ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, और काटोगे समान संख्या से। देखो 2 के पहाड़े में 3 नहीं होता, ऊपर ऊपर नीचे नीचे नहीं काटना है, समान संख्या से ऊपर नीचे काटना है,
देखो अगर कोई भिन्न लिखा हुआ है, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। तो देखो ये कटेगा किससे? किसी से नहीं कटेगा। जब किसी से नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तीन एक कम तीन और चार दुनी आठ, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कटेगा, सात एक कम सात, सात तिया इक्कीस, समान संख्या से ही काटा, विपरीत संख्या से नहीं काट सकते। एक ही संख्या लेनी है जिससे दोनों का भागा चला जाए। सात एक कम सात तिया इक्कीस कटा। और कोई है जो कटे? और कुछ है जो कट रहा है? कट रहा है। देखो चार एक कम चार, चार तिया बारह, और कुछ नहीं है जो काट सके। तो जब कुछ नहीं है तो ऊपर पर गुणा करो, दो गुणा तीन गुणा तीन, बट्टे में क्या है, एक गुणा तेरह। ठीक है, तो ये आ जाएगा दो तिया छः, छः तिया अट्ठारह, बट्टे में तेरह एक कम तेरह। किसी देखो जब किसी भी संख्या को एक से गुणा करें वही रह जाता है, तो बट्टे में आ जाएगा तेरह। तो ऐसे हल करते हैं। अब इसमें देखो जैसे भाग आ गया, इसमें क्या आ गया? भाग। तो भाग को कैसे करते हैं? पहले वाला वैसे के वैसे रखते हैं और फिर भाग को बदल देते हैं गुणे में। नीचे वाला आ जाता है ऊपर और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। इसके बट यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन, तीन एक कम तीन कटा। देखो फिर ये कटेगा तो एक कम दो, दो दुनी चार। ठीक है, कट गया। अब ऊपर एक, ऊपर एक, एक गुणा एक एक, दो गुणा एक दो, एक कम दो, आंसर आ जाएगा एक बट्टे दो। फिर यहाँ देखिए ये है सात बट्टा दो, भाग को बदल देंगे गुणे में, बट्टे वाला आ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, दो तिया छः। ठीक है, अब सात के गुणा तीन से करेंगे, सात तिया इक्कीस, बट्टे में क्या बचा? तेरह। तो ये आ जाएगा इक्कीस बट्टे तेरह। ठीक है, आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि से। ठीक है, कैसे निकालेंगे वर्गमूल? तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया सोलह, गुणनखंड विधि से छोटे से छोटे संख्या से काटते रहना, दो से कटेगा एक एक स्थान पर छः हैं, तो देखो दो अट्ठे सोलह, फिर दो चुके आठ, फिर दो दुनी चार और दो एक कम दो। जब तक एक ना आ जाए तब तक हमें करना। अब हमें निकालना कि इसका सोलह का है वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, इस जोड़े से दो आ गया गुणा, इस जोड़े से दो आ गया, दो दुनी चार। ठीक है, अब हम निकाल के दिखाएंगे 225 का गुणनखंड विधि से। काटो, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि एक एक स्थान पर पाँच है। किससे कटेगा? तीन से कट जाएगा। संख्याओं का योगफल नौ आ रहा है, नौ तीन से कट जाता है, तो पूरी संख्या तीन से कटेगी। तीन सत्ते इक्कीस, बाईस से इक्कीस कम करोगे तो एक बचेगा, और पीछे पाँच है, एक और पाँच पंद्रह हो जाएगा, तीन ही बचे पंद्रह, फिर तीन से कटेगा। तीन दुनी छः, एक बचा, तीन ही बचे पंद्रह, पाँच से कटेगा, पाँच पचे पच्चीस, फिर से कटेगा, पाँच एक कम पाँच। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, तो 225 का जो वर्गमूल होगा यहाँ से आ जाएगा तीन और यहाँ से आ जाएगा पाँच, तो तीन गुणा पाँच कितना हो गया? पंद्रह। तो ऐसे काटना होता है और गुणनखंड विधि में हमें जोड़ा लेना होता है वर्गमूल निकालने के लिए। जितने जोड़े आएंगे वो लेते जाओ और उनको गुणे में डाल दो, बस आंसर आ गया। ठीक है, मैं देखो वही चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रश्नों को हल करने के लिए, फालतू की चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। वैसे अगर बेसिक मैथमेटिक्स सिखाने लग जाऊँ तो पूरा महीना सिखाता रह सकता हूँ, पूरा महीना पाँच पाँच घंटे की वीडियो डेली सिखा सकता हूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है ना। जो चीज़ें हमें चाहिए कक्षा दस में, बस वही, उतना ही बेसिक चीज़ें हमें कवर करनी है। अगर ये जो वीडियो आप पूरा देख लेते हो, इन टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हो अच्छे से, तो भाई गणित में आप टॉप कर गया होगे कक्षा दस में, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब जैसे वर्गमूल निकालना भाग विधि से, इसको कैसे किया जाता है भाग विधि में, ये देख लीजिए। तो देखो ये 625 से मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 625 ये लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, पीछे से जोड़ा बनाना होता है, पीछे से जोड़ा बनाना होता है। ठीक, तो पीछे से जोड़ा बना लिया,
अब पहली वाली जो संख्या होती है ऐसे लेना है, जैसे एक एक कम एक, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, ऐसे लेना है। तो 2 × 2 = 4, ठीक है, 3 × 3 = 9 करूंगा तो छह से बड़ा हो जाएगा, भाग विधि है, भाग के सारे नियम लगेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 = 4, फिर घटाओगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और फिर ये जोड़ा नीचे आ जाएगा, 25 है ना, नीचे आ गया। अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो 2 है इसका डबल यहाँ लिखोगे 4, ठीक है। अब जो संख्या यहाँ लिखोगे वही संख्या यहाँ लिखोगे और फिर गुणा करना है। देखो कुछ भी तुम यहाँ लिखोगे 1, 2, 5 वो 40 हो जाएगा। आइडिया कैसे लगाते हैं, 40 जो संख्या यहाँ लिखोगे वही संख्या यहाँ लिखोगे, तो 40 × 40 = 200 के आसपास आता है, और यहाँ 200 के आसपास 200 ज़्यादा ही है, तो मुझे ये आइडिया लग रहा है कि भैया 5 बार में जा सकते हैं, तो मैं करूँगा यहाँ से 5 से गुणा, यहाँ पे भी 5 रखा और यहाँ पे 5, 5 × 5 = 25, यहाँ से लगा 2, 5 × 20 20 × 2 = 22, देखो पूरा पूरा चला गया, घटाएंगे तो आ जाएगा 0, तो वर्गमूल कितना आ गया 25, तो 625 का वर्गमूल कितना है 25। भाग विधि से ऐसे ही मैं आपको इसका सिखाऊं, यहाँ है 2 0 7 3 6, थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने, ठीक है, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। देखिए 2 है, पहले डिजिट पे 1 आया ना, तो 1 × 1 = 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर ये जोड़ा नीचे आएगा 0 7, ठीक है। तो 1 का डबल कितना होता है 2, कुछ भी यहाँ रखूँगा उसी संख्या को यहाँ रख के गुणा करना है, तो कुछ भी रखूँगा 20, 20 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 5 बार में नहीं जाएगा, 25 × 5 = 125 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, आइडिया लग रहा है। देखो जैसे 5 करूँगा ना, सोचो 25 को 5 से गुणा करूँ, 125 × 5, देखो 25 × 5 = 125 होता है, या 107 है, ज़्यादा हो जाएगा ना, भाग नियम है, कुछ भी आए वो 107 आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 बार में बड़ा हो जाएगा, तो 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 लिखा और यहाँ पे भी 4 लिखा, गुणा करो, 4 × 16 हासिल लगा 1, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, घटा देंगे, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचा, और 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचा। अब ये जोड़ा नीचे आ जाएगा 36, अभी यहाँ पर संख्या कितनी होगी 14, 14 का डबल यहाँ आ जाएगा 28, हर स्टेप में डबल करते रहना है, ठीक है। कुछ भी संख्या में यहाँ डालूंगा तो 280 के ऊपर हो जाएगा, और थोड़ा सा आइडिया लगा, यहाँ पर 6 है, किसको किससे गुणा करेंगे, सेम टू सेम संख्या की 6 आ जाए, क्योंकि नियम आपको देख रहे हो ना कि यहाँ जो संख्या लिखेंगे यहाँ पर भी वही संख्या, तो 4 को 4 से गुणा करने पर 280, ये 1200 के आसपास है ना, हाँ 3 × 12, 4 बार में ही जाएगा, ये आइडिया लग गया, 4 बार में ही जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 गुणा करो, 4 × 16 हासिल लगा 1, 4 × 2 = 8 हासिल 1 था, 4 × 32 हासिल 1 था, 33 हो गया, 33 का 3 हासिल लगा 3, ठीक है, फिर 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11, देखो पूरा पूरा चला गया, तो वर्गमूल कितना आ गया 144 आ गया आंसर, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से बना लेते हो और इनको थोड़ा और अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, तो आप कक्षा 10 की गणित में फोड़ के आओगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कक्षा 10 की पूरी गणित मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आप डिलीट चेक कर सकते हैं, हमारे किसी भी वीडियो पर प्ले करके ज़रूर देखें, अगर अच्छी नहीं लगे तो फिर आप मेरा नाम बदल के रख देना, ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा, बस एक बार वीडियो देख लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।